पीछे आपा हाथ बची है ना अंदर बड़ी है ये तो साथियों एक बार फिर हमें आलमपुर अड्डा में हमारे काला भाई जी जिनके अमूमन जो है वो यहाँ सांप जो है वो इर्द गिर्द जो है यहाँ घूमते रहते हैं और इनके गांव में जो है काफ़ी स्नेक जो है वो नज़दीकी इनका मामला रहता है क्योंकि यहाँ पहले भी कई बार कोबरा जो है वो दो तीन कोबरे जो हैं वो स्पेक्टिकल कोबरा जिसको हम नाग कहा जाता है वो हिंदुस्तान में जिसे जिसकी पूजा की जाती है वो कई बार यहाँ रेस्क्यू किए हैं और ये रेड स्नेक है जिसको किसान मित्र भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो हमारा हरियाणा पंजाब है वहाँ इस सांप को जो है बिल्कुल नहीं मारा जाता क्योंकि वहाँ खेतों में जो है वो अमूमन दिखाई देंगे ये क्योंकि बिल्कुल ये चूहे जो है बिल्कुल नहीं छोड़ता एक दिन में मतलब ये चूहे जो है कम से कम 40 से 60 चूहे जो है वो निकल जाता है तो इसको बिल्कुल नहीं मारते हैं तो ऐसे भी सांपों को बिल्कुल नहीं मारना है क्योंकि सभी हर घर में जो है वो नाग की पूजा की जाती है हमारे आध्यात्मिक तौर पर जो है वो सभी इसकी पूजा करते हैं और साइंटिफिक तौर पर भी जो है इसको मारना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कोई भी इस सांप को ना मारे तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस सांप को बचाया और इस पर्यावरण को जीवित रखा क्योंकि इसका पर्यावरण में रहना जो है वो बहुत ही जरूरी है दुर्वा राम राम साथियों जियो और जीने दो।